ऑफ ओरिजिन क्या था, जैनिज्म क्यों आया। ठीक है, अब देखो, हिंदुज्म हैज बिकेम रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स विद द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, एक्चुअली बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनमें जो टीचिंग्स हैं, इनमें जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आप लोगों की हिंदुज्म से ही आई है। ठीक है, हिंदुज्म आपका जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन माना जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब आप हिंदुज्म में अगर देखते हो तो हिंदुज्म के अंदर आप किसी भी चीज को कुछ भी कर सकते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल नहीं है, आपकी मर्जी आप शिव की पूजा करो, आपकी मर्जी आप गणेश की पूजा करो। ठीक है, ये हिंदुज्म है। हिंदुज्म को अगर आप देखो तो उसमें कोई आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसा टफ रूल नहीं है कि आपको इतना तो करना है। आपका मन है तो आप फास्ट रखो, आपका मन नहीं है तो फास्ट रखो, ठीक है, मत रखो, ऐसा होता है ना हिंदुज्म में। आपकी मर्जी आप किसी भी की वो कर सकते हो। ठीक है, बट जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स ने क्या बना दिया, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके घर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अगर दान दोगे तो ही आप कुछ कर सकोगे। समझ पा रहे हो, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तो मैं समझ सक रही हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स आर द सुपर क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन, और वो क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते लोग। ठीक है, एक्चुअली वो रिलीजन को ना बड़ा तोड़ मरोड़ के डरा के वो लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि हिंदुज्म बहुत रिजिड हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, उसको ऑर्थोडॉक्स मतलब हो गया। और उसके बाद क्यों हो गया बेटा, क्योंकि ब्राह्मण्स ने उसको डोमिनेंस कर लिया। ब्राह्मण्स को लगने लगा हम ही हिंदू हैं और सारे तो ये ऐसे ही। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण सिस्टम के अंदर आपको पता है कि दो फोर वर्ण सिस्टम थे जिनके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है। कौन कौन से बेटा, बेटा क्या कहते हैं, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, उसके बाद शैव्य थे और शूद्र थे, पर जो वैश्य तक तो ठीक थे, उसके बाद जो शूद्र थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंट्रोड्यूस्ड द आयरन टूल्स। ठीक है, अब हो क्या रहा था बेटा कि पहले तो ब्राह्मण्स ने डोमिनेट कर रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा कि जो शूद्र थे उनके वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं थी हिंदुज्म होने को, वो अपने रिलेशन को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर क्या हुआ बेटा कि न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और उसके अंदर क्या हुआ, यूज ऑफ आयरन टूल्स। ठीक है, जो आयरन के टूल्स थे उनको यूज नहीं करने देते थे। कौन, क्षत्रिय, कहते थे ये तो हम ही यूज करेंगे, लोग आते तुम खेती कैसे करो, करो जैसे पहले करते थे, अब हम यूज करेंगे, हमारे क्षत्रियों का हक बनता है। क्षत्रिय कौन थे बेटा, जो लोग क्या करते थे, दे आर नोन फॉर द वॉर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि जैनिज्म की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब हाँ जी की जैनिज्म टाइप का एक रिलीजन होना चाहिए जिस रिलीजन के अंदर आपके क्या कहते हैं, एक डोमिनेंस ना हो किसी भी तरीके का, किसी पर्टिकुलर कास्ट का। ठीक है, समझ आ गई सबको ये वाली बात, इतनी समझ आ गई आप लोगों को कि क्यों जैनिज्म आया, क्यों बुद्धिज्म आया। ये रिलीजन इसी वजह से आए थे ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ हिंदुज्म। अब व्हाट आर द टीनेट्स ऑफ जैनिज्म, मतलब जैनिज्म में मेन चीजें क्या है, द मेनली एम एट द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। सबसे पहले तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मींस टू टेक द कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, द कंप्लीट नॉलेज, अब कंप्लीट नॉलेज मतलब हम लोगों को सच जानना है कि हम लोग क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको बोलूँ महाभारत, भगवद गीता पढ़ लो, वो तो हिंदुज्म में ऑलरेडी था। ठीक है, जो भी चीजें देखोगे आप, अगर आप भगवत गीता पढ़ चुके हो, अगर आप हिंदुज्म की महाभारत पढ़ चुके हो, तो उसके अंदर सारे के सारे रिलीजन आ जाते हैं, उसमें सब में सब कुछ है उसके। ठीक है, बट मैंने बताया कि क्यों भाई जैनिज्म की जरूरत थी, क्योंकि जैनिज्म की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि ऑर्थोडॉक्स हो चुका था हिंदुज्म और ब्राह्मण्स जो है वहां पर काफी ज्यादा डोमिनेंस कर रहे थे। ठीक है, ओके प्रतीक, पहले तो अपनी वीडियो ऑन करो और इतना लेट मत आया करो क्लास में, मैं इतना क्लास में आगे से आपको एंट्री नहीं दिया करूंगी, इतना लेट करना जरूरत नहीं। ऑर्थोडॉक्स मतलब बेटा होता है एक, जैसे जो लोग चेंज नहीं होते, मतलब ऑर्थो रूढ़ीवादी, मतलब
जैसे होता है ना कि भाई आपको इस टाइम पे ही खाना खाना पड़ेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, समझ आई? रूढ़िवादी मतलब कि जो बिल्कुल पुराने ही के हिसाब से बिल्कुल एकदम उसमें इतना सा भी चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, महापाप हो गया ये तो तुमने अनर्थ कर दिया, उस टाइप का, ठीक है, समझ रहे हो ना, उसे कहते हैं रूढ़िवादी, ठीक है। इस टाइम पर जो रूढ़िवादी रिलीजन है वो कौन सा है? चलिए कोई बात नहीं, इस्लाम। ठीक है, हाँ जी, अभी इस्लाम जो है उस टाइम पे हिंदुज्म। प्रतीक बेटा वीडियो तो ऑन रख लो, फिर बात है। फिर ये कैसे, अब कैसे हम, नो रिचुअल रिक्वायर्ड हो, हमें लिबरेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, तीन प्रिंसिपल चाहिए। हम लोग अगर इन तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हो आप, थ्री ज्वेल्स और द त्रिरत्ना, त्रिरत्ना मतलब थ्री ज्वेल्स, ठीक है। हम क्या करें कि हम लोगों को जो है वो सही जो है तरीके से हम अपनी नॉलेज को जान सकेंगे, या फिर हमारी लाइफ का मेन मोटिव क्या है। जैसे हमारे हिंदुज्म में क्या होते हैं, त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, है ना, होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर तीन रत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इफ आई से दैट कि राइट फेथ मतलब क्या होता है, किसी पर सही विश्वास होना, सही विश्वास होना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान पर आप राइट फेथ करते हो तो आपको नॉलेज भी सही देगा वो इंसान, किसी सही जगह पर आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको नॉलेज भी सही मिलेगी, समझ रहे हो। आप अपना टाइम लगा रहे हो टिकटॉक पर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आराम से निकल जाए, समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर आप अपना टाइम गूगल पे लगाते हो और गूगल में भी कोई अच्छी साइट देखते हो, या फिर अपनी पढ़ाई पर लगाते हो, यार इनडायरेक्टली आप, मैं फोन का एग्जांपल देती हूँ, फोन में भी इतनी सारी चीजें, आप किस चीज को टाइम दे रहे हो ये तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको नॉलेज अच्छी है, ठीक है। पर आप फोन तो चलाते हो, फोन आप लेके बैठे हो और फोन में आप कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट विल हैपन, रिजल्ट विल बी डिक्लाइन, आपको रिजल्ट गंदा ही मिलेगा, क्योंकि नॉलेज ही आपको गलत मिल रही है, आपको सिर्फ शक्लें बनाना आ जाएगा, जैसे टिकटॉक में शक्लें बनाते हैं ना उल्टी सीधी, आपको शक्लें बनानी आ जाएंगी, गूगल पे तो परफेक्ट, आपको राइट नॉलेज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ आई। तो किसी चीज पर राइट फेथ होगा, राइट फेथ मतलब आप सही टाइम पर सही उस पर जो टाइम लगा रहे, ठीक है, उसे कहा जाता है सम्यक दर्शन, किसी चीज के सही दर्शन, आपको सही मतलब आपका फेथ है किसी चीज पर, सही विश्वास है, ठीक है, उससे आपको राइट नॉलेज मतलब समक्य जना, ठीक है, आपको सही नॉलेज मिलेगी, समझ आई, सही विश्वास से सही नॉलेज मिलेगी। आपका विश्वास ही गलत है तो आप गलत ही जगह, मतलब ऑब्वियसली ऐसा मतलब ये नहीं कि आप विश्वास करके बैठ गए हो, मेन मेन मोटिव समझ रहे हो, आप जिस चीज पर टाइम इन्वेस्ट करोगे वो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, समझ आई मेरी बात। ओके, सोशल साइंस पढ़ोगे तो सोशल साइंस का ही रिजल्ट मिलेगा, ओके, समझ पा रहे हो, ठीक है। देन राइट एक्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि आप अगर राइट नॉलेज होगी तो आप काम भी सही मिलोगे। अब आपको नॉलेज ही गलत मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल सेम आपको फोन मिला, आपने फोन पे टिकटॉक देखना शुरू किया, टिकटॉक से आपने क्या सीखा कि मुझे उल्टी सीधी शक्लें बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्शन करने हैं और मुझे वीडियो बनाना है, आप उसी हिसाब से काम करोगे, आपने जो काम किया वो वीडियो बनाई, एक्शन हुआ और रिजल्ट जीरो, पेपर होगा जीरो। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ के उसको फोन में अच्छी गूगल पे अच्छी चीजें देख रहा है, अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, या फिर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उस चीज को यूज कर रहा है, राइट एक्शन भी वही लेगा, अच्छे से नंबर भी वही लाएगा, उसको ऑब्वियसली से बात है, उसको पता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसके फेथ अच्छा था, उसका राइट फेथ था, उसके पास राइट नॉलेज आई, उसी वजह से उसने राइट एक्शन किया, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो दीज आर द थ्री स्टेप्स जो किसी, अब मैं यहाँ पर जैनिज्म बता रही हूँ बट एवरी रिलीजन और एवरी पर्सन के लिए, आपको देखो आज की क्लास आपकी एक सब्जेक्ट की क्लास ना होते हो, आपकी मोटिवेशनल और एक वो सी क्लास भी मान सकते हो आप, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, दिस इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट इट इज ऑल्सो फॉर योर सक्सेस ऑल्सो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये क्लास मैंने आप लोगों को मोटिवेशनल क्लास दी है तो ये कोई गलत बात नहीं कह रही। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।